हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए। मेरी बहन ने बनाई है चाय, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं बाहर जाके। मैं आपको आउटफिट ऑफ द डे भी दिखाती हूँ, सो लेट्स स्पेंड अ डे विद मी। और नाश्ते में है आज चाय और रस। ये रस हम लेके आए थे पाकिस्तानी सुपरमार्केट से, तो बिल्कुल ही सादा सा आज नाश्ता है, तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके निकलते हैं। ओके, मुझे लग रहा था कि बहुत आराम से तसल्ली से बैठ के चाय पियेंगे, लेकिन टाइम मेरा ऑलरेडी हो गया और वॉच मैं भूल गई हूँ। मैं जल्दी से वॉच पकड़ के लाई और फिर निकले। नाउ लेट मी क्विकली शो यू माई आउटफिट ऑफ द डे। तो दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी थोड़ी हवा चलना शुरू हो गई है, लेकिन आज भी हीट वार्निंग है। सो लेट्स गेट इन टू द कार और चलते हैं काम पे। आई थिंक मुझे गाड़ी का समर ऑटो स्टार्ट सेट कर लेना चाहिए, ताकि मेरे आने से पहले एसी ऑन हो जाया करे, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। मेरा कार टचअप परफ्यूम ख़त्म हो चुका है डोसेर का। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने काफ़ी सारे डोसेर की फ्रेग्रेंसेस रीस्टॉक की हैं, तो कार रिफिल के लिए मैंने एक नया डोसेर का परफ्यूम ले लिया है। और अगर आप लोग बजट फ्रेंडली हो और आपको डिज़ाइनर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस चाहिए, तो आप गाड़ी में रखने के लिए डोसेर के परफ्यूम्स ले लो। दे लास्ट लॉन्ग डे, पूरा दिन अगर आप एक बार भी टचअप करो या नहीं भी करो, तो इट स्टिल स्मेल्स गुड। सो नाउ लेट्स गो। आई जस्ट हैव 15 मिनट्स टू रीच। आई डोंट थिंक कि मैं रास्ते में और वीडियो बना पाऊँगी, बट आई विल ट्राई टू टेक यू गाइज अलॉन्ग द डे और स्टे ट्यून्ड। तो गाइज मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस, अब काम शुरू करते हैं। आई विल कैच यू इन माई ब्रेक। और आई होप मौसम अच्छा ही रहे आज। मैं बैग ले लूँ अपना उधर से। It's my break and I am making everyday ki Kashmiri chai. It's pink tea. It's the first time I'm trying to use it. Let's see ke ye kaisi banti hai. And it's instant. That's the best part. Nice pink tea. Utna Kashmiri chai jaisa taste to nahi hai, magar acha hai dil ko tasalli dene ke liye aur pretty pink chai peene ke liye. It's good. Yep, I like it. बट आई डोंट थिंक मैं दोबारा ये लूँगी, लेकिन फिलहाल के लिए इट्स नाइस। ओके, इट्स माई लंच ब्रेक नाउ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस लंच ब्रेक में मैं लंच कर पाऊँगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू अ डीलरशिप। मेरी गाड़ी की इंजन लाइट का एक मसला आ गया है, उसके लिए बात करने जा रही हूँ। बट इफ़ आई विल गेट अ चांस टू ईट समथिंग, आई विल अपडेट यू। और अगर मुझे चांस मिला तो मैं कुछ ड्राइव थ्रू से ही पिक करके आ जाऊँगी, एंड देन लेट्स सी। आधा दिन गुजर चुका है, बाकी का आधा दिन कैसे गुजरता है। इट इज़ नॉट वेरी वार्म, इट्स अ नाइस वेदर टुडे। तो पूरा दिन तो मुझे व्लॉग कंटिन्यू करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी मैं घर आ गई थी और ग्रोसरी के लिए हम लोग बाहर निकले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग ही कंटिन्यू कर लूँ और आपको थोड़ी फ्रेशको की सैर भी करा दूँ। आलू ले रहे हैं क्योंकि घर में कभी भी कुछ ना हो तो आलू बादशाह है। आलूओं के साथ कुछ भी आप मिक्स करके तो खाना बना सकते हो। इतने काफ़ी हैं। हाँ यार, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती। हाँ, कि सैमसंग का इतना अच्छा रिजल्ट होता है। हाँ, वीडियो का, बट मुझे आईफोन में इतना अच्छा नहीं लग रहा। गाइस ये देखो, ये मेरे फ़ोन में है। ओके, एंड ये ओरिजिनल है। देख कितना अच्छा रिजल्ट है। नहीं, ना। नहीं नहीं, इसमें भी कोई फिल्टर नहीं है बहन। तो आज मेरी बहन बनाने वाली है शलजम, शलजम या शलगम, शलजम गोश्त। बोलना अपना, इसमें कुछ बोलना। शलजम गोश्त बनाएंगे, आप में से किस किस के फेवरेट हैं वो ज़रा कमेंट्स में बताएं। अगर ये आपको 50-50 बिस्किट्स याद हैं तो। ग्रोसरी हो गई है और एक टिप आपको देना चाहती हूँ, जब भी आपने ग्रोसरी करनी हो खाली पेट मत आना, क्योंकि आप फजूल की चीज़ें उठा लेते हो।
जब पेट भरा हो तो आप बड़ा सोच समझ के चीज़ें पिक करते हो। तो अभी भूख बहुत लग रही है, अभी यहाँ से निकलेंगे और फिर हम बैठ कुछ खाएंगे। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो ग्रोसरी हो गई है, शाम हो गई है, लेट्स कॉल इट अ डे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय बाय।